इन द नेम ऑफ अलमाइती अल्लाह दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ये कूल लोगो कैसे बना सकते हैं अडोबे इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते इस लोगो को बनाने के लिए। पहले एक एलिप्स टूल लेंगे, एक कूल एलिप्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ओके, एंड इसको सेंटर करेंगे यहाँ से। सेंटर करने के बाद दोस्तों इसका जो कलर है, अभी के लिए हम ये कलर लेंगे। अभी यहाँ से हम कुछ शेप क्रिएट करेंगे, सिमिलर शेप जैसे मैंने पहले क्रिएट किया है। कुछ इस तरह इसका थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे आ कंट्रोल और ऑल्ट क्लिक। ओके, अभी यहाँ से यहाँ पे एंड यहाँ से हम इसको यहाँ से हम एडजस्टमेंट करते डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके कुछ इस तरह। ओके, ओके, कुछ इस तरह दोस्तों। उसके बाद मूव टूल लेके हम यहाँ से शेप बिल्डर एंड इस पार्ट को हम माइनस करते हैं, इस पार्ट को भी, इसको भी, इन फाइनली इसको भी। तो दोस्तों बेसिक शेप बन गया। उसके बाद इसको हम ग्रुप बना के कंट्रोल जी के साथ यहाँ से इफेक्ट में जाके हम यहाँ से अप्लाई करते हैं एक्सट्रूड एंड बेवल। यहाँ से प्रीव्यू एंड यहाँ से फ्रंट, यहाँ से भी हम थोड़ा इसको कुछ इस तरह के इफेक्ट देते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों अभी यहां से भी इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट में से जाके अपीरियंस एक्सपेंड अपीरियंस, उसके बाद इसको हम अनग्रुप बनाते। ओके, अनग्रुप बनाने के बाद इस पे सेलेक्ट करके हम इसको, ओके, अभी तीन पार्ट में डिवाइड है हमारा ऑब्जेक्ट। इस दोनों पार्ट्स को हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से हम लेते आई कलर पिकर, इसके लिए ये कलर। उसके बाद हम यहाँ से एडजस्टमेंट करते कुछ इस तरह। ओके, ओके दोस्तों, कुछ इस तरह इस पार्ट को हम यहाँ से एक ग्रेडिएंट बना के देते हैं।
सिंपल ग्रेडियंट यहाँ से ये ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, इसको लेके आते हैं मिडल में, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं कुछ इस तरह दोस्तों। ओके, इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों, अभी फ़िलहाल इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम करना चाहिए, जो मैं यहाँ से कर देता हूँ। ओके, एंड इसको हम लेके आते हैं मिडल में कुछ इस तरह। अभी इस सब को ग्रुप बना के कंट्रोल जी, यहाँ से हम इसको अलाइन सेंटर, ऑलरेडी अलाइन है तो यहाँ से हम सेंटर में ये सेंटर है, इस सेंटर से हम एक एलिप्स क्रिएट करेंगे दोस्तों। इसको हम सेंड टू बैक एंड इसको हम अलाइन करते कुछ इस तरह। अलाइन करने के बाद दोस्तों इसको हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम इसको इस कॉर्नर के साथ इसको मैच बनाते। अभी ये मैच हो गया दोस्तों, इसके लिए हम हमारे पास जो ग्रेडियंट है कलर पिकर के साथ इसको पिक करते हैं एंड इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं यहाँ से कुछ इस तरह। ओके, इसी लेयर को हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ के साथ कॉपी एंड पेस्ट टू फ्रंट को फ्रंट में पेस्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं एंड कलर पिकर के साथ ये कलर पिक करते हैं दोस्तों। ये सिंपल ग्रेडियंट है वाइट टू ट्रांसपेरेंट, इसका भी थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ इस तरह। एंड इसका जो ओपेसिटी, फिर इसको ओवरले करते हैं और ओपेसिटी थोड़ा कम करते हैं कुछ इस तरह। तो यहाँ पे भी ग्लास इफेक्ट आया। अब ये ग्लास इफेक्ट इसके ऊपर भी हम बनाएंगे दोस्तों, उसके लिए हम इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। अभी यहाँ से एक एलिप्स टूल, ओके, इस एलिप्स टूल को हम यहाँ पे अलाइन करते हैं कुछ इस तरह एंड कलर पिकर के साथ ये कलर एंड थोड़ा एडजस्टमेंट। ओके, ओके, अभी इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेके हम यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं। ओके, अभी इसको प्लस इसको हम यहाँ से थोड़ा ओपेसिटी कम करते हैं। ओके,
तो ये एक परफेक्ट ग्लॉस इफेक्ट बन गया है यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे एक शेडो बनाना है, ये दोनों साइडों में। शेडो बनाने से पहले मैं यहाँ पे एज बनाता हूँ इसके लिए। तो एज बनाने के लिए मैं इसका एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी के बाद सिंपल कलर, ओके ये कलर, उसके बाद सॉरी इस कलर को ख़त्म करके यहाँ से हम स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। स्ट्रोक भी किसी कलर में, एंड स्ट्रोक को यहाँ पे क्लिक करके हम अलाइन थ्रू इनसाइड, ओके। उसके बाद हम यहाँ से ये सीजर टूल लेके इसको यहाँ पे एंड इसको यहाँ से कट करके ये जो बचा हुआ ऐसा है उसके अनग्रुप ये पार्ट को डिलीट करके इस पार्ट को हम ले आके यहाँ पे वापस अलाइन कर देते हैं कुछ इस तरह। एंड यहाँ से हम इसको ये टाइप साइज थोड़ा और बढ़ाते एंड कलर भी लेते, स्ट्रोक कलर लेते वाइट। देखिए दोस्तों यहाँ पे खूबसूरत एज नज़र आया। इस एज को अभी हम ओवरले बनाते हैं। इसको हम यहाँ से ओवरले, ओके। तो ये इसका भी हो गया काम दोस्तों। अभी हम यहाँ से हाथ से एक शेडो बनाएंगे क्योंकि लाइट यहाँ से आती है तो यहाँ पे शेडो होना चाहिए। उस शेडो के लिए मैं पेन टूल लेके यहाँ से पेन टूल यहाँ पे ओके इसको मैं सिलेक्ट किया तो अभी इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे इसको भी, ओके सॉफ्ट बन गया दोस्तों, ओके। अभी कलर पिकर के साथ हम ये ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट लेते हैं। ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं दोस्तों, ओके। इस लेयर को प्लस इस लेयर को सिलेक्ट करके अभी हम ये जो अनवांटेड प्लेस है सॉरी इसके साथ ये भी सेलेक्ट करना होगा ये नीचे वाला लेयर, ओके। अभी शेप बिल्डर टूल लेके अनवांट ये जो अनवांटेड स्पेस है इसको मैंने डिलीट किया और यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ, ओके। वी बाकी इसको इसको हम यहाँ से अरेंज सेंड टू बैक कंट्रोल जी मैंने बोला सेंड टू बैकवर्ड, इसको सेंड टू बैकवर्ड करते हैं तब तक इसको सेंड टू बैकवर्ड करते जब तक ये अपने प्लेस में, ओके। हाँ तो अभी इसको एक बार और ट्राई करते सेंड टू बैकवर्ड, ओके। तो अभी ये यहाँ पे शेडो बन गया। इस शेडो को मैं यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ दोस्तों,
ओके ये एडजस्टमेंट भी हो गया दोस्तों. अभी सिमिलर शेप हम यहाँ पे शेडो यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं, एक सॉफ्ट शेडो. तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके इसका एक कॉपी लेते हैं यहाँ पे. कॉपी लेने के बाद यहाँ से यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करके कलर नन एंड यहाँ से स्ट्रोक स्ट्रोक अप्लाई करते हैं दोस्तों. वन ओके स्ट्रोक आउटसाइड अप्लाई करते हैं इसको. इतना काफ़ी है. ओके अभी यहाँ से हम सीजर टूल लेके इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको भी यहाँ से कट करते हैं. इसको अनग्रुप बना के अनग्रुप ये पार्ट ओके क्लिपिंग मास्क मैंने रिलीज किया इसका. अभी ये हो गया दोस्तों. इसको हम यहाँ से वापस लेके आते यहाँ पे. इसको यहाँ पे प्लेस किया. प्लेस करने के बाद स्ट्रोक में जाके इसका यहाँ से ये ओके ये पॉइंट लिया तो समझो दोस्तों ये कुल एज यहाँ पे भी बन गया. इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट में से एक्सपेंड अपीरियंस एक्सपेंड करने के बाद इसको हम यहाँ से कलर पिकर लेके अप्लाई करते ये कलर जो हमने इसको अप्लाई किया था ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट. ओके तो अभी इसको हम यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करते इसको सेलेक्ट करके हम अरेंज में से सेंड बैकवर्ड. अभी देखिए दोस्तों बिल्कुल खूबसूरत शेडो जैसा बन गया. तो इसी के साथ हम एक बार ये कॉर्नर को चेक करेंगे कि ये मैच हो रहा है या नहीं और कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है. तो दोस्तों अभी ये लोगो बिल्कुल तैयार है. कूल शाइनिंग लोगो. इस लोगो को हम यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करके फोटोशॉप में लेके जाते हैं. तो फोटोशॉप में यहाँ से हम
तो इसको यहाँ से हम कॉपी करके दोस्तों कॉपी एडिट में से इसको हम सेलेक्ट करके ये सब जितने भी पार्ट्स है इसके सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट में से एडिट में से कॉपी इसको जंप करते फोटोशॉप में यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड इसका साइज यहाँ से हम थोड़ा छोटा बनाते कुछ इस तरह बस इसको हम थोड़ा यहाँ से शेडो बनाएंगे दोस्तों शेडो अभी यहाँ से ब्रश लेके यहाँ पे हम ब्रश मारेंगे ब्लैक कलर में उसके बाद कंट्रोल टी के साथ सिलेक फ्री ट्रांसफॉर्म इसको यहाँ पे लेके आते हैं कुछ इस तरह इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ा कम करते हैं ओके तो दोस्तों हमारी जो लोगो है वो तैयार है बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिएगा इससे भी अच्छी लोगो आप बना सकते हैं अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब